तो आज मैंने सोचा मैं आपको बताऊं अपने गियर सेट्स के बारे में। और करंटली जो मैंने गियर सेट लिया हुआ है, गियर सेट से पहले जो मैंने अपीयरेंस लिया हुआ है वो स्प्लिंटर सेल का है, और बड़ा ही बढ़िया लगता है, बहुत कूल लगता है ये स्प्लिंटर सेल। स्प्लिंटर सेल पूरा एक स्टेल्थ गेम है, मैंने बहुत खेला है, और पूरा स्टेल्थ बेस्ड है। उसमें क्राउच करके ही मिशंस कंप्लीट करने पड़ते थे, शैडो में रह कर मिशन कंप्लीट करने पड़ते थे। लास्ट वाला जो मैंने खेला है वो है स्प्लिंटर सेल कन्विक्शन। और बस अब आगे बढ़ते हैं। मेरा आज का पहला सेट है गियर सेट अल्फा ब्रिज, और ये आप डीपीएस देख रहे हो, काफ़ी बैलेंस्ड डीपीएस है, और इसे मैं ऑलमोस्ट 3,30,000 तक लेके जा सकता हूँ मेरे बूस्टर शॉट और पल्स से। बूस्टर शॉट में बताऊँगा अगर आपको ऑलरेडी पता नहीं है कि बूस्टर शॉट क्या है, हालांकि अगर आप डिविजन खेलते हैं तो आपको पता होगा। और आज मैं कम्प्लीटली अपने गियर सेट के बारे में बात करने वाला हूँ, और क्यों मैं यहाँ पे दो SMG यूज़ कर रहा हूँ और ये पिस्टल वगैरह वगैरह। और पिस्टल सबसे पावरफुल है X45 फर्स्ट वेव, तो हर कोई वही यूज़ करता है। और तो अल्फा ब्रिज के बारे में, ये रहा मेरा बेस आर्मर 1809, 1809 का बेस आर्मर, जिसमें 742 का स्टैमिना है, जबकि लास्ट आप जो रोल कर सकते हो वो है 759। और यहाँ पे आपको चाहिए एक्सॉटिक डैमेज रेजिलियंस मेजर एट्रीब्यूट्स में, प्लस आर्मर तो आपको चाहिए ही चाहिए। और ट्राई करना पड़ेगा हमें कि कम से कम 700 के ऊपर आर्मर मिले। अगर एक्सॉटिक डैमेज रेजिलियंस ऑलरेडी मिला हुआ है, रिकैलिब्रेट करना है, तो हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हमें ऑलमोस्ट 700 से ऊपर मिलना चाहिए, या 750 के ऊपर मिल गया तो फिर वो गॉड रोल हो गया समझो। एक्सॉटिक डैमेज के बगैर और आर्मर के बगैर, ठीक है, आपको कोई मिल रहा है चेस्ट तो वो मुझे लगता है ऑलमोस्ट वेस्ट है, उसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। या फिर आपको यहाँ पे मान लो आप चाह रहे हो स्टैमिना और मॉड स्टैमिना का रोल चाह रहे हो, और आपको 740 के ऊपर स्टैमिना मिल गया या फिर 740 के ऊपर फायर आर्म्स मिल गया ऑलरेडी, तो आपके लिए वो बेस्ट सूटेड है। तो मेजर एट्रीब्यूट्स में आप एक्सोटिक डैमेज रेजिलियंस रहने दीजिए और आर्मर को रोल कर लीजिए, और जो कि रिकैलिब्रेशन स्टेशन पे हम जाके स्टेशन स्टे रिकैलिब्रेशन स्टेशन पे जाके हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इसकी सेट बोनस क्या है, अल्फा ब्रिज के 4 सेट बोनस क्या है। अगर अल्फा ब्रिज ये जो चेस्ट आप देख रहे हो, इसमें अगर मैं 4 और चीज़ें ऐड करूँगा तो मेरे ये सेट बोनसेस अनलॉक होते चलेंगे। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो मैं 2 मेडकिट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, जो कि कोई खास नहीं है। अगर आपको केवल अल्फा ब्रिज लेकर ही चलना है तो ये सेट पीस बोनस कोई खास नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा बिल्ड लेके चलते हो तो ऑलरेडी आप 2 मेडकिट लेने के लिए ही 2 अल्फा ब्रिज लगाते हो, प्लस वो पैरामेडिक बैकपैक जिसमें और ज़्यादा आप मेडकिट्स ले सकते हो 2 मेडिकल एक्स्ट्रा, तो टोटल 9 हो जाती हैं इन सब चीज़ों को मिलाकर। तीसरा सेट बोनस है 100% हेल्थ रीजन। ये कैसे काम करता है, जैसे मैंने कोई डैमेज लिया, मोबाइल में डैमेज ले रहा हूँ वो रीजन नहीं होगी, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए 4-5 मुझे जैसे मान लीजिए गोली लगी है, और अब 4-5 सेकेंड के बाद मेरी हेल्थ रीजनरेशन का जो स्किल है वो ऑटोमेटिक मेरी हेल्थ रीजनरेट करती है, तो ये 100% हो जाएगा। और मेरे ख्याल से 10,000 मैक्स है हेल्थ रीजनरेशन, जैसे केवल आप 5,000 मैक्स होता है, अगर आप ये सेट बोनस 3 लगाते हो तो 10,000 हो जाता है, और जल्दी आपकी हेल्थ आने लगती है। ये 3 सेट बोनसेस हैं, और ये टफनेस अब बग्ड है यहाँ पे, ये टफनेस आप इसमें गच्चा मत खा जाना ये, क्योंकि गेम डिविजन बग्स से भरा हुआ है। 320 एक बग है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं कि आपके पास 3,400 के ऊपर स्टैमिना हो और 3,20,000 ही टफनेस हो, ये बग है। और चौथा सेट बोनस है जो कि मेरा सबसे फेवरेट है अल्फा ब्रिज के अंदर, और खैर सबका वही फेवरेट है। अगर मैं 2 वेपन यूज़ करूँगा सेम कैटेगरी के, जैसे कि SMG है, मैं 2 SMG यूज़ कर रहा हूँ, और दोनों SMGs में छः छः अलग टैलेंट हैं, तो ये मेरे लिए बहुत तगड़ा सेट है। छो के छो एक्टिव टैलेंट मैं अपनी एक गन पे यूज़ कर सकता हूँ, जिसका सबसे ज़्यादा हेडशॉट डैमेज मुझे मिल रहा है, तो ये सबसे तगड़ा बोनस है इस अल्फा ब्रिज के अंदर। तो मैं बताऊँ मेरे पास दूसरे सेट्स क्या क्या हैं। ग्लव्स हैं, ग्लव्स में मेरे पास अच्छा खासा रोल है, इसमें भी कुछ 730 या 737 के आसपास रोल है, और 5% क्रिटिकल हिट चांस है। डिसोरिएंटेड रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे मुझे डिसोरिएंट के बदले डिसरप्ट मिलता तो ज़्यादा अच्छा होता है। पल्स क्रिटिकल हिट चांस बहुत अच्छा है, और नी पैड्स भी मेरा काफ़ी अच्छा है, 726 ऑलमोस्ट गॉड रोल नहीं बोल सकते, 750 के ऊपर या 755 के ऊपर कुछ मिलता है तो वो गॉड रोल मैं मानता हूँ।
और स्किल पावर मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं मेनली इसको मैं डैमेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मेजर एट्रीब्यूट्स में 20% क्रिटिकल हिट डैमेज इसमें लिया हुआ है और फायर आर्म का मॉड लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे फायर आर्म्स का मॉड मैंने लगाए हुए हैं। स्किल पावर के साथ मॉड कोई भी लगाओ, चाहे फायर आर्म चाहे स्टैमिना, वो स्किल पावर के साथ में होना चाहिए। तो ये नी पैड मैंने यहाँ लगाया। मेरा चौथा सेट है अल्फा ब्रिज का बैकपैक। हो सकता है कि थोड़ा सा आर्मर मुझे लगता है कम मिला है लोगों के पास, जैसे मेरे पास दूसरा आप देख सकते हो रिक्लेमर का 752 का है, तो 755 मुझे लगता है बैकपैक में मैक्स है शायद। बिना मेजर एट्रीब्यूट्स में आर्मर लिए मुझे लगता है कि 755 मैक्स है शायद अभी तक जो मैंने देखा है, क्योंकि अगर मेरे पास एक 800 वाला था तो उसमें शायद 800 नहीं, एक कल मेरे पास एक लोन स्टार आया था 1350 था उसमें शायद, हाँ 1350 उसमें आया था, मेजर एट्रीब्यूट्स में आर्मर आ गए थे, तो बेचने लोन स्टार वैसे भी कौन लेता है अदर देन स्टैकिंग एमो। और तो ये बैकपैक के यहाँ पे भी मैंने क्रिटिकल हिट डैमेज लिया हुआ है और मुझे डैमेज डील करना है, इसलिए इसमें भी कुछ फायर आर्म्स बहुत अच्छे थे मेरे पास। अगर 893 में 144 माइनस कर दें तो कुछ समझ लो वही 744 के आसपास समझ लो या 750 के आसपास समझ लो, तो ये है। और सैवेज ग्लव्स बहुत तगड़े हैं, मैंने यहाँ पे इसमें मुझे मिला था 660 का स्टेमिना, पर मैंने इसको कम से कम 4-5 बार मॉड किया है और 5 से 6 लाख क्रेडिट्स मैंने यहीं इसमें हटा दिए हैं और ये बहुत गॉड रोल है। और मेनली अभी मैं SMG वाले मुझे मिले नहीं हैं, अगर मिले भी हैं तो मेजर एट्रीब्यूट्स में तीनों ये रोल नहीं मिले, क्योंकि आपको क्रिटिकल हिट डैमेज, क्रिटिकल हिट चांस प्लस जो गन आप मेनली यूज़ कर रहे हो उसका डैमेज ज़रूरी है। ये सबसे बेस्ट अभी तक का मेरे पास सैवेज ग्लव्स है, 14% क्रिटिकल हिट चांस देता है आउट ऑफ कवर, सबसे बेस्ट है। और कंसिडरिंग मैं अल्फा ब्रिज यूज़ कर रहा हूँ तो मैं दो सेट मेरे असॉल्ट राइफल के लेके चलता हूँ, दो सेट SMG के और दो सेट शॉटगन के और दो सेट में लेके चलता हूँ अपनी LMG के। तो LMG मेरे पास L86 है वो तो फाड़ के रख देती है फर्स्ट एड सेल्फील, ये बहुत अच्छा टैलेंट यहाँ पे। तो ये मेरा टैलेंट है जैसे मैंने बताया, ये बग्ड है, मेरी मेन जो टफनेस है वो 4009 है, मैं इसको 4,30,000 कर सकता हूँ, मैंने 4009 बोला मैं इसका 4,09,000 है यहाँ पे, मैं इसको 4,30,000 कर सकता हूँ, पर मुझे फायर आर्म से समझौता करना पड़ेगा जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। अब मैं आपको अपना दूसरा सेट दिखाऊंगा। तो ऐसे ही ये गन्स का तो अंबार है मेरे पास और अभी तक मैंने 204 की ऑग बेची नहीं है, बेच नहीं पा रहा हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि ऑग में बेच, वो भी मैं इस लालच में लगा हूँ कि कब कभी ना कभी मुझे शायद ऑग यूज़ करने का मौका मिले या फिर ऐसा होगा कि SMG कभी हाई फाई फिर से हो जाए पता नहीं, पर अभी के उसमें वेपन्स काफ़ी बैलेंस्ड है मुझे लगता है, सारे वेपन्स लोग डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, मेनली क्लोज क्वार्टर में शॉर्ट गन्स देखने मिलती हैं बहुत ज़्यादा, और शॉर्ट गन अगर आपको गॉड रोल मिल गई है ब्रूटल डेडली रिस्पॉन्सिव या ब्रूटल डेडली फियर्स, मेरे पास ब्रूटल डेडली अनफॉरगिविंग है और शायद रिस्पॉन्सिव फियर्स वाली है, जिसमें मैं सेंटर वाला टैलेंट मुझे पता नहीं कौन सा है, पर सेंटर वाले टैलेंट में मैं ब्रूटल लेके आ सकता हूँ शॉर्ट गन में, और वो दो शॉर्ट गन या उस शॉर्ट गन को किसी ऐसे शॉर्ट गन से मैं पेयर करूँगा जो जिसमें तीन अलग अलग एक्टिव टैलेंट हैं अच्छे वाले, तो मैं वेपन्स के बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले मैं अपना बताऊँ मेरे पास डेड आई का भी कम्प्लीट सेट है और ऑलमोस्ट जितने भी सेट मेरे पास हैं मैं हर किसी में 4 लाख से ऊपर टफनेस लेके जा सकता हूँ, 4 लाख से 4,09,000 के बीच, और मुझे लगता नहीं कि 4,10,000 मैक्सिमम से ऊपर जाने की कोई ज़रूरत है, और क्योंकि मुझे लगता है कि 4,10,000 से 4 लाख तक इनफ है टफनेस खेलने के लिए, किल करने के लिए, और इससे ज़्यादा मैं कई कई मेरे सेट्स ऐसे बनते हैं जिसमें मेरी स्किल पावर 30,000 चली जाती है, क्योंकि बैकपैक में आप देख रहे हो कि स्किल पावर यहाँ पे है, और ये बैकपैक नहीं एक्चुअली ये मास्क है, और मैं मास्क में स्किल पावर रोल करना ज़्यादा अच्छा है डेड आई गियर सेट में, और बैकपैक में आपको लेना चाहिए क्रिटिकल हिट डैमेज 20%, जो कि क्योंकि आपके हर शॉट इससे मैं बताता हूँ, जैसे कि हर शॉट आपके इससे क्रिटिकल हिट डैमेज ही होंगे अगर आप हिप फायर में फायर कर रहे हो किसी भी मार्क्समैन राइफल से, तो पहला बोनस है इसका 20% मार्क्समैन राइफल क्रिटिकल हिट डैमेज ऐड हो जाता है जितना भी आपका ओवरऑल डैमेज बन रहा है क्रिटिकल हिट का। तीसरा इनिशियल स्टेबिलिटी है जो कि आपकी स्नाइपर राइफल को थोड़ी सी स्टेबिलिटी देती है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जब अगर मैं रन एंड गन कर रहा हूँ तो हिप फायर ही करूँगा मैं,
मार्क्समैन राइफल से मेरी बहुत कम ऐसा चांस मिलता है कि मैं स्मार्ट कवर में बैठूं और फिर फायर करूं। अगर सामने वाला ग्रुप इतना एक्टिवली नहीं खेल रहा है तो वो हमारी तरफ कन्फ्रंट ही नहीं करता, और स्मार्ट कवर में बैठे बैठे हम उन्हें बहुत अच्छे से मार सकते हैं। और अगर कन्फ्रंट करके खेल रहा है तो वो स्मार्ट कवर अगर आपको तोड़ना है, सीधी सी बात, आपको फ्रैग फेंकने पड़ेंगे, जो आपको फ्रैग किसी भी एमो जब आप रीलोड करते हो तो आपको 4 जो फ्रैग्स मिलते हैं उससे आप किसी को भी स्मार्ट कवर से उठा सकते हो, पर सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए आपने उठाया और आपको कन्फ्रंट करके उन्हें मारना पड़ेगा, वरना वो फिर से बैठ जाएंगे। या फिर उनके स्मार्ट कवर पे आप अपना स्मार्ट कवर लगाओ और आपका स्मार्ट कवर पावरफुल है तो वो डैमेज उनका माइनस हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा सेट इसका ये हो गया। 3 सेट में लगाऊंगा तो इनिशियल बुलेट स्टेबिलिटी, 4 सेट में लगाता हूँ जैसे कि मैंने बताया, वाइल्ड नॉट स्कोप्ड इन, क्रिटिकल हिट चांस और मैक्सिमम राइफल इंक्रीज्ड बाय 100%। और 100% मतलब आप हर शॉट पे ही क्रिटिकल मारने वाले हो, और हेड शॉट पे जो मल्टीप्लायर होता है वो आपको नहीं मिलने वाला किसी भी तरीके का। पहले एक बग चल रहा था पर शायद कल परसों के पैच में वो फिक्स हो गया है। अब चाहे आप बॉडी पे शॉट मारो डेड आई के साथ, चाहे आप हेड पे मारो, आपको उतना ही मिलने वाला है क्रिटिकल हिट डैमेज आपका पर शॉट हर बार। 100% क्रिटिकल हिट चांस तो उसमें है ही, और क्रिटिकल हिट डैमेज आप मारोगे, प्लस आपके पास अगर ब्रूटल है तो वो ब्रूटल बॉडी पे काउंट नहीं करेगा, वो ब्रूटल सिर्फ हेड पे काम करेगा, तो वो आपका ब्रूटल टैलेंट उस पर काम ज़रूर करेगा, ये मैंने देखा है। तो ऐसा है। अब इसके बाद में बात करता हूँ हंटर्स फेथ, कुछ खास नहीं क्योंकि ये तो 1.2 वाला है। तो हंटर्स फेथ जब भी मुझे यूज़ करना होता है तो मैं यूज़ करता हूँ ऑलवेज डेड आई के साथ में, और ये ऑलमोस्ट गॉड रोल है। मुझे सिर्फ यहाँ पे डैमेज टू एलीट्स हटा के यहाँ पर क्रिटिकल हिट चांस लाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं हंटर्स फेथ ऑलरेडी यूज़ करता हूँ तो हमेशा मैं डेड आई के साथ ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर क्रिटिकल हिट चांस लाने का मतलब नहीं, क्योंकि मेरे सारे शॉट्स हमेशा क्रिटिकल हिट वाले ही होने वाले हैं। तो डैमेज टू एलीट्स काम आता है अगर इनकेस आपके आसपास कोई एलीट आ गया है, आप बचना चाह रहे हो, आप सप्लाई ड्रॉप लेने गए हो, तो उस पोजिशन में ये बहुत काम आता है डैमेज टू एलीट्स, क्योंकि मैं हिप फायर फटाफट स्पैम भी कर रहा हूँ तो ये बहुत काम आता है 13%। तो दो जो सेट हैं, एक ग्लव्स और एक और मैंने जैसे कि बताया ये हंटर्स फेथ का होल्स्टर। मेरे पास ब्लाइंड सेट के कम से कम 25 से 30, कम बोल रहा हूँ मैं, शायद 40 कुछ गियर सेट्स आए थे जो कि मैंने सिर्फ बेचे और बेचे हैं, क्योंकि पीवीपी में कोई काम नहीं है ब्लाइंड का, ब्लाइंड के एक भी गियर सेट का। अगर आप 20% पल्स क्रिटिकल हिट डैमेज लेना चाहते हो, इसे अल्फा ब्रिज के साथ आप इसको लगा सकते हो, तो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी पल्स पे रिलाई करोगे, या फिर आपका कोई बंदा है जिसने जिसकी स्किल पावर बहुत हाई है प्रोबेबली 40,000, तो वो अपनी पल्स मारेगा तब आपको ये डैमेज बहुत बहुत काम आएगा। और मैं बहुत रेकमेंड करता हूँ कि आप अल्फा ब्रिज के साथ या फायर क्रेस्ट के साथ 2 ब्लाइंड के सेट ज़रूर लगाएं। पर जैसे कि मैंने बताया, मैं रीज़न बता रहा हूँ, अभी पूरे सेट लेके चलने का कोई मतलब नहीं है। इस पर्टिकुलर ब्लाइंड का जो सेट है, गियर सेट, इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा जबकि ब्लाइंड बैटल राइफल आने वाली है, जो कि अगले पैच में शायद देने वाले हैं। और वो जब उसमें ऐसा है कि जब आपने 100% किसी को आपने ब्लाइंड कर दिया स्टिकी से, अपने फ्लैश बैंक स्टिकी से या फिर फ्लैश बैंक से, तो उस कैरेक्टर के ऊपर उस सेकंड के लिए 100% आप डैमेज डील करोगे उस पर्टिकुलर ब्लाइंड राइफल से। वो उसका फायर आरपीएम भी यार 1000 के आसपास है, तो मुझे बहुत, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो राइफल लॉन्च हो, तब जाके मैं फार्म करूँगा और ब्लाइंड्स के मैं पूरा सेट में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं ज़्यादा टाइम लगेगा। अंडरग्राउंड के कुछ 3-4 मिशन हेरोइक में खेल लेंगे और आराम से वहाँ पे ब्लाइंड मिल जाएगा। अगर ग्रुप के साथ खेल रहे हो तो आप शेयर भी कर सकते हो एक दूसरे से। तो ऐसा हो गया। इसका सेट बोनस की भी बात कर ही लेता हूँ, सामने दिख रहा है। तो 2 सेट अगर हम लगाते हैं तो +20% क्रिटिकल हिट डैमेज, जो कि मैंने बताया अल्फा ब्रिज या फायर क्रेस्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। 3 सेट लगाएंगे हम ब्लाइंड के तो 100% ब्लाइंड और टफ रेजिस्टेंस है। इससे आपका डिसरप्ट होना नहीं रुकेगा, जैसे कि आपने देखा है कोई अगर स्टिकी मारता है तो मैक्सिमम शायद 10 से 12 सेकंड्स के लिए आप डिसरप्ट हो जाते हो, यहाँ वो भागते रहते हो, स्क्रीन झाऊँ झाऊँ करती रहती है, वो ज़रूर होगी, पर आप ब्लाइंड नहीं होगे अगर आपके पास ब्लाइंड रेजिस्टेंस 100% होगा, ज़रा भी आप ब्लाइंड नहीं होने वाले, और आपको पूरे के पूरे टारगेट क्लियरली दिखेंगे पर आप स्किल यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ये इसकी बात हो गई। अब इसके बाद गियर सेट आता है रिक्लेमर की, मैं बात करना चाह रहा हूँ। मेरे पास रिक्लेमर का भी पूरा सेट पड़ा है, मैं आपको अपनी इन्वेंटरी में दिखाना चाहता हूँ। रिक्लेमर का मेरे पास पूरा सेट है। जब भी मैं रिक्लेमर खेलता हूँ तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। मैं ये चेस्ट को यूज़ करता हूँ विगरस, जो मुझे लगता है
मुझे किस वे में काम आता है मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर मैं विग्रेस का चेस्ट पीस यूज़ कर रहा हूँ, इसका टैलेंट है ग्रांट्स ओवर हील टू ऑल हीलिंग स्किल्स, तो अगर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ विग्रेस का चेस्ट, तो मैं आता हूँ अपने टैलेंट में। मैं यूज़ करता हूँ हमेशा बूस्टर शॉट। नॉर्मली सब यूज़ करते हैं ओवरडोज, ये आपको ओवर हील देती है, ठीक है। और मैं यूज़ करता हूँ बूस्टर शॉट क्योंकि ये टेम्परेली आपका डैमेज इंक्रीज़ कर देता है और आपका डैमेज रेजिलियंस भी बढ़ाता है। सामने वाली टीम से आप जो डैमेज ले रहे हो टेम्परेली, ये वो डैमेज रेजिलियंस भी बढ़ाता है, मतलब आप कम डैमेज लोगे। और क्योंकि इसका जो हील पावर है वो ओवरडोज से कम है, इसलिए मुझे यहाँ पे विग्रेस यूज़ करना है, क्योंकि ये जितनी भी हीलिंग स्किल्स हैं उसको ये ओवरडोज देता है। ये मेडकिट पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके स्किल पे काम करेगा, और इसीलिए मैं विग्रेस रन करता हूँ रिक्लेमर के साथ या किसी और सेट के साथ भी। मुझे अगर रन करना है सैल्फा ब्रिज के, मुझे दूसरे मिल गए, और यहाँ पे जो मेरा ग्लव्स है सैवेज मुझे यूज़ करना है, और बाकी यहाँ मास्क में, नी पैड्स में और होल्स्टर में और बैकपैक में मुझे अगर अल्फा यूज़ करना है अल्फा ब्रिज, तो मैं यहाँ पे विग्रेस लगा सकता हूँ और वो और भी अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि मैं बूस्टर शॉट लगाऊंगा तो मेरी ओवर हील भी आ जाएगी और मैं डैमेज रेजिलियंस भी हो जाऊंगा और डैमेज इनफ भी ज़्यादा डील करूंगा। अभी अगर मैं बूस्टर शॉट लगाऊंगा तो मैं ओवर हील पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि बूस्टर शॉट आपको ओवरडोज नहीं देती है, वो काम है ओवर हील का, ठीक है। तो हम बात करते हैं रिक्लेमर की। मैंने मॉड्स नहीं लगाए हैं पर ऑलमोस्ट मेरी रिक्लेमर में 4,20,000 के आसपास टफनेस चली आती है और फायर आर्म्स कुछ 3,500 के आसपास रहते हैं। मुझे मॉड्स सारे चेंज करने पड़ेंगे, इसलिए मैं केवल अभी बात ही करूंगा आपके सामने उसकी। मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास सेट क्या क्या है। मास्क है मेरे पास, क्रिटिकल हिट डैमेज वाला भी मास्क है इसका, रिक्लेमर का। ये मैं बात करना चाह रहा हूँ मास्क की। 741 बहुत अच्छा रोल है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं। 755 के ऊपर मिलता तो और भी अच्छा, पर उस चीज़ ने उतनी मैटर नहीं करती। स्किल एट्रीब्यूट्स कुछ खास अच्छा नहीं है। सीकर माइन एक्सप्लोजन रेडियस मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ। सीकर माइन सिर्फ क्राउड कंट्रोल के काम आती है, जब मान लो आप अपनी सप्लाई ड्रॉप लेने जा रहे हो DD5-6 में, तो वहाँ ये काम आती है, बाकी इसका कोई काम नहीं। इंक्रीज स्किल एक्सपी मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी 99 हो तो मैं 95 से 93 के बीच में कूदता फांदता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी फाइट्स करता रहता हूँ और रैंकअप होना इतना मेरे लिए मैटर नहीं करता, पीवीपी मैटर करता है। अब मैं इस बात करता हूँ इसके टैलेंट्स के बारे में। दो सेट अगर मैं रिक्लेमर के लगाता हूँ तो सपोर्ट स्टेशन हीलिंग स्पीड 100% बढ़ जाती है। जैसे सपोर्ट स्टेशन कोई सा भी हो, मेरे ख्याल से आपकी हीलिंग स्पीड बढ़ जाएगी। और जैसे ये स्टैकअप नहीं कर सकते आप अल्फा ब्रिज के साथ, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि 10,000 मैक्सिमम कैप है, क्योंकि अल्फा ब्रिज के भी दो सेट का बोनस है, तीन सेट का बोनस है 100% हेल्थ रीजन। ये स्टैकअप नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, पर अगर होने लग जाता तो अल्फा ब्रिज और रिक्लेमर दो सेट बंदे यूज़ करने लगते और स्पैम करने लगते बार बार अपने सपोर्ट स्टेशन, जो आपको हील कराता है, या फिर इम्यूनाइजर जो आपको शॉक से बचाता है, स्टिकी से बचाता है, डिस्ट्रप्ट होने से बचाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पर कुछ हद तक बचाता है, पर शॉक से तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, शॉक टर्रेट से वो आपको बहुत बचाता है। तो तीसरा सेट बोनस है कंज्यूमेबल ड्यूरेशन एक्स्ट्रा बढ़ा देता है आपकी 50%। जैसे अगर मैं फायर बुलेट्स या इंसेंडरी बुलेट्स यू कंज्यूम कर रहा हूँ तो उसकी ड्यूरेशन नॉर्मल से 50% बढ़ जाएगी। और चौथा सेट अगर मैं लगाता हूँ तो मैं जितनी बार भी मेरी एक्सप्लोजिव बुलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कंज्यूम होगी ही नहीं और सारे ग्रुप को मिलेगी। ये सबसे बढ़िया मुझे लगता है सोलो प्लेयर के लिए, ये बहुत अच्छा है। बेचारा सोलो प्लेयर मुझे लगता नहीं कुछ कर पाता था, और क्योंकि हर हर किसी के बस की बात नहीं है सोलो सेंट्री लेके चलना, ये चाहे कुछ, टू बी ऑनेस्ट हर किसी के बस की बात ही नहीं सेंट्री लेके चलना और सोलो में अच्छा परफॉर्म करना। किसी के अच्छे प्लेयर के बस की बात है, अगर वो बहुत टॉप नॉच खिलाड़ी है तो वो सेंट्री लेके चल सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि रिक्लेमर सोलो प्लेयर्स के लिए बहुत बढ़िया है। अगर इसके साथ 5,00,000 टफनेस कर ले कोई सोलो प्लेयर, तो मुझे लगता है सोलो में 5,00,000 टफनेस का मुझे मीनिंग समझ में नहीं आता। हालांकि पर बुलेट आप रिक्लेमर में एक्सप्लोसिव यूज़ कर रहे हो तो एक्स्ट्रा डैमेज करोगे, पर सोलो में मुझे इसका यूज़ कोई समझ में नहीं आता। अगर आपको रिक्लेमर यूज़ करना है तो 4,00,000 टफनेस इनफ है, बाकी सारी चीज़ें आपको फायर आर्म्स में लगानी चाहिए, ये एक चीज़ हो गई। अब मैं बात करता हूँ फायर क्रेस्ट की। मेरे पास फायर क्रेस्ट की पूरा सेट था, पर मैंने फायर क्रेस्ट की चीज़ें बेची हैं रिकैलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि इसके 4 सेट बोनस का कोई मतलब निकलता नहीं है। मुझे लगता है कुछ खास नहीं है इसका चौथा सेट बोनस मेरी नज़र में, क्योंकि वैसे भी
चलो शुरुआत से बात करते हैं। मेरे पास फायर क्रस्ट का वेस्ट है, फायर क्रस्ट का मेरे पास नी पैड है, और फायर क्रस्ट का मेरे पास बैकपैक है दो, एक क्रिटिकल हिट डैमेज वाला और एक स्किल पावर वाला। दोनों में कोई रोल अच्छे नहीं है, प्रोबेबली मुझे कुछ और हेरोइक मोड खेलने पड़ेंगे 4-5 बार अंडरग्राउंड में, तो जाके मुझे अच्छा मिल जाएगा। और मैं इसके सेट बोनस की बात करने वाला था, और सेट बोनस यहाँ पे है जैसे इसमें भी मुझे मेजर एट्रीब्यूट्स में डैमेज टू एलीट्स मिला हुआ है, प्रोबेबली मैं इसे रिकैलिब्रेट करके एक्सॉटिक डैमेज रेजिलियंस लेके आना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात इस सेट की ये है कि ये थोड़ा सा DPS सेट है, थोड़ा सा फेक लगता है मुझे ये। जैसे कि सेट बोनस की पहले बात करूँ, इसके में दो सेट बोनस आप लगाओगे, अगर आप दो सेट लगाते हो फायर क्रेस्ट के, तो 3 इंसेंडरी बुलेट्स कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। आपको फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढनी तो पड़ेगी ना, जब तक आप इंसेंडरी बुलेट्स ढूंढोगे नहीं तब तक फायर क्रेस्ट का कोई खास आप यूज़ नहीं ले रहे हो सेट बोनस 2 का। सेट बोनस 3 है 100% रीलोड स्पीड आपकी हो जाती है, जैसे मान लो आपकी 2 सेकंड की रीलोड स्पीड है तो आपकी रीलोड स्पीड हो जाएगी 1 सेकंड की, और मेरे ख्याल से 1 सेकंड कैप है, 1 सेकंड के नीचे वो नहीं जाती है। चौथा सेट अगर आप लगाते हो एक साथ किलिंग ए बर्निंग टारगेट, अगर आप कोई टारगेट ऑलरेडी बर्न कर रहा है उसको आपने मारा यानी कि पंच किया, तो आपके पास भी 10 सेकंड के लिए इंसेंडरी बुलेट्स आ जाएंगी, पर उसका मीनिंग नहीं है क्योंकि अगर आपने किसी बर्निंग टारगेट को मारा दैट मीन्स आपके पास ऑलरेडी एक रिक्लेमर बन रहा है ग्रुप में, तभी आपने उस बर्निंग टारगेट को मारा और डाउन किया, तो ये मुझे ऑलमोस्ट फोकट लगता है। पर फिर भी ये DPS ज़रूर बढ़ाता है आपका, और मैं MP7 के साथ इसका DPS 3,10,000 के ऊपर ले जा चुका हूँ, अगर मैं यहाँ आपको लगा के दिखा पाऊँ तो, क्योंकि ये अरेंज्ड नहीं है मेरे मॉड्स, तो शायद कुछ अच्छे से मैं DPS ना दिखा पाऊँ आपको क्योंकि मेरे मॉड्स अरेंज्ड नहीं है। पर यहाँ आप देख ही सकते हो कि ये LV OAC का कितना अच्छा DPS जा रहा है, 2,52,000। और अगर मैंने जो PP19 में अटैचमेंट्स लगा रखे हैं, जितने भी ये वाले अटैचमेंट्स ऑप्टिक्स वगैरह मजल वगैरह, वो अगर मैं अपनी MP7 में लगाऊंगा तो मेरी MP7 का DPS आराम से 3,10,000 के ऊपर जाता है। पर वो सिर्फ फेकोलॉजी, पर ये है कि आपका रीलोड बहुत कम हो जाता है उससे, और बहुत स्पीडली रीलोड है यार, ये बात तो मैं मानता हूँ बहुत स्पीडली आपका उसमें रीलोड होता है। तो ये रहा मेरा फायर क्रेस्ट का सेट, पर फिर भी मैं फायर क्रेस्ट के ऊपर अल्फा ब्रिज प्रेफर करूँगा क्योंकि अल्फा ब्रिज में आपको 6 टैलेंट्स मिल रहे हैं एक्टिव, और अगर 6 टैलेंट आपके बहुत तगड़े हैं क्रिटिकल हिट चांस वाले प्लस आपको डैमेज देने वाले टैलेंट जैसे कि मेरे पास हैं, तो पाप रे पाप वो बहुत डेडली कॉम्बो बन जाता है। मैं आपको अब बताऊंगा अपनी गन्स, ये मैंने दिखाया कि करेंटली मैं क्या लेके चल रहा हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही अल्फा ब्रिज बनाया था क्योंकि अगर आज मैं PvP करता भी हूँ तो मैं लेकर के चलूँगा अल्फा ब्रिज। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने आप रिक्लेमर होल्स्टर के बारे में आपको बताऊँगा, और 757 का फायर आर्म्स रोल मिला है मुझे इसमें, जो कि 759 ऑलमोस्ट मैक्स होता है, 700 का स्टैमिना है, 710 का मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है जो कि बहुत अच्छा। और इसमें मैंने रोल किया है आर्मर, और जब भी मैं रिक्लेमर लेके चलता हूँ तो मेरा स्टिकी बॉम्ब डैमेज बाय डिफ़ॉल्ट, मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा उसमें ना भी करूँ, 30,000 के स्किल पे ही पहुँच जाता है 2,20,000। हालांकि अगर मुझे इस चेस्ट में भी मिल जाता स्किल एट्रीब्यूट्स में स्टिकी बॉम्ब डैमेज, तो मेरा स्किल मुझे लगता है 2,40,000 पहुँच जाएगा, जो कि 2,50,000 कैप है। और स्किल पावर अगर थोड़ी सी बढ़ाई तो और अच्छे बेनिफिट्स मुझे मिल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ अब टफनेस थोड़ी बग्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया 4,09,000 है। अब मैं आपको बताऊँगा अपने इस गन के टैलेंट्स के बारे में, तो चलते हैं रेंज में। शायद कोई रहा तो नहीं गियर सेट बात करने लायक, नहीं फायर क्रेस्ट के बारे में बात कर ली, अल्फा ब्रिज, रिक्लेमर, टेराई के बारे में बात कर ली, ब्लाइंड के बारे में बात कर ली, ऑलमोस्ट सब के बारे में। अब मैं स्विच करूँगा अपनी PP19 पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना डैमेज कर रहा हूँ करेंटली इस बिल्ड के साथ में। और मैं एक बार बताना चाहता हूँ, मैंने अभी ओवरडोज नहीं लिया हुआ है, मैंने बूस्टर शॉट लिए हुए हैं क्योंकि मैं इंक्रीज डैमेज करना चाहता हूँ। जैसे अगर मुझे फाइट स्टार्ट करनी है मैं ओवरडोज लूँगा और पल्स मार के फाइट स्टार्ट करूँगा, तो आप देखो मेरे सारे शॉट्स 1,00,000 के ऊपर थे। यहाँ पे वो ड्यूरेशन स्टैक अप नहीं होती है पल्स की, बहुत जल्दी चली आती है पल्स ड्यूरेशन यहाँ पे रेंज के अंदर, इसलिए वो चला गया, वरना मैं जो 10 सेकंड तक अगर मैं फायर करता रहूँ PP19 से हर मेरा क्रिटिकल हिट 1,04,000 का ही पड़ने वाला है, और ये बहुत तगड़ी चीज़ है। पर मुझे क्योंकि मेरे पास इस सेट में अभी
विग्रेस चेस्ट में नहीं ले पाया हूँ, इसलिए मैं ओवर हील पर जा ही नहीं सकता। आपने नोटिस किया हो शायद, मैं मेरी स्किल आएगी तो फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने ये फोड़ा है, मैंने अपना स्किल हील फोड़ा है और मैं ओवर हील पे नहीं जा पा रहा हूँ, आप देख रहे हो। नहीं तो मैं ओवर हील पर आराम से जा सकता था, पर नहीं जा पाया क्योंकि ये ओवरडोज वो काम है, ओवर हील पर भेजना ओवरडोज का बूस्टर शॉट का काम है। बूस्टर शॉट आपको डैमेज इंक्रीज करके देना और डैमेज रेजिलियंस आपका बढ़ाना ताकि आप थोड़ा डैमेज ले पाओ। तो ऐसा है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा DPS आपने देखा यहाँ पे 3,10,000 के ऊपर जाता है जब दोनों चीज़ें मैं एक साथ यूज़ करता हूँ, प्रॉब्ली 3,30,000 बूस्टर शॉट और पल्स के साथ में कुल मिला के। ये सारे सेट्स हैं, रिक्लेमर ज़रूर एक पावरफुल सेट है, मुझे बोलना होगा कि आपको अंडरग्राउंड DLC में ही वो मिलेगा एक्सक्लूसिवली। पर अल्फा ब्रिज भी कोई कम नहीं है, पर क्योंकि अगर कोई सोलो बंदा है, मुझे लगता है कि अगर आप ऐसी बिल्ड बनाते हो जैसे कि मैंने बनाई है, इसमें भी और थोड़े इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं प्रॉब्ली। अगर आपको मैं कहता हूँ जैसे कि नी पैड्स में थोड़ा सा यहाँ पे आर्मर मुझे अगर 755 तक का मिला होता तो मैं शायद एक आध चीज़ें कुछ मैंने फायर आर्म्स में शिफ्ट की होती और कुछ मॉड्स के थ्रू। पर मेरे सारे मॉड्स जो मैंने लगाए हैं चेस्ट पीस में, मास्क में, नी पैड्स में या फिर बैकपैक में, वो ऑलरेडी फायर आर्म्स के हैं। अगर मैं स्टैमिना का लगा दूँ तो इस पर्टिकुलर सेट में मैं 3100 फायर आर्म्स मेंटेन करते हुए या फिर 3000 के आसपास फायर आर्म्स मेंटेन करते हुए मैं 4,90,000 की टफनेस ले सकता हूँ। पर वो कोई मतलब नहीं है, वहाँ थोड़ी सी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है और आपका डैमेज कम होता है। और अगर पर्सनली आप कभी ड्यूअल खेल रहे हो या फिर आप सोलो जा रहे हो तो आप अपना DPS बढ़ा नहीं सकते और मोस्टली आप मरोगे और ये चीज़ काम नहीं आनी। तो मुझे लगता है ये बैलेंस्ड, ये DPS बिल्ड है, मैं इसको बैलेंस्ड बिल्ड नहीं बोलूँगा क्योंकि आजकल 4,00,000 की टफनेस कोई ज़्यादा काम की नहीं है अगर आप सोलो खेल रहे हो तो। पर फिर भी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और होपफुली आपको सर्वर अच्छा मिले जहाँ लैग ना हो। तो ये मेरा सेट था और जैसे कि मैंने बताया, इसका और अगर बेनिफिट मुझे लेना है तो मैं क्या करूँगा, एक अच्छा सा होल्स्टर ढूंढूंगा अल्फा ब्रिज का, क्योंकि मैं सैवेज नहीं हटाना चाहता। सैवेज का टैलेंट क्या है, 14% क्रिटिकल हिट चांस मेरा बढ़ता है टारगेट्स पे जो आउट ऑफ कवर घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, मोस्टली हर कोई आउट ऑफ कवर रहता है। बस अगर स्मार्ट कवर वाले को हटाना है आपको तो आपको खुद को भी स्मार्ट कवर लेना पड़ेगा स्किल में, वहाँ से बैठे बैठे स्नाइप करो उनको और ऐसे ही आपके टैलेंट स्टैक अप होते जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं बता रहा था कि मैं होल्स्टर लूँगा, अच्छा था मेरे को मिला था होल्स्टर अच्छा अल्फा ब्रिज का, पर उसमें 640 फायर आर्म्स, 680 स्टैमिना और 620 इलेक्ट्रॉनिक जैसे कुछ था, तो मैंने उसे बेच दिया, कोई काम का नहीं था खास। अब जैसे ही मुझे अल्फा ब्रिज का होल्स्टर मिलेगा मैं यहाँ लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लगा लूँगा विग्रेस चेस्ट। उससे होगा ये कि जो मैं अभी मेरे ये मैं बूस्टर शॉट ले रहा हूँ, मैं पूरा ओवर हील पर जा पाऊँगा, उससे आधी जितनी मेरी हेल्थ है ऊपर और ओवर हील पर जा पाएगी और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और बूस्टर शॉट का फ़ायदा ये है, ये आपकी पूरी टीम को मिलता है तो आपकी पूरी टीम एक्स्ट्रा डैमेज कर सकती है। और ये बात है, जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मेरी गन में टैलेंट क्या क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। जैसे कि आपको दिख रहे होंगे अच्छे 3 ग्रीन टैलेंट और हैं, ये अल्फा ब्रिज का 4 टैलेंट यहां पे काम कर रहा है। अगर मैं सेम कैटेगरी की 2 गन यूज़ करता हूं प्राइमरी और सेकेंडरी में तो मेरे सारे एक्टिव टैलेंट स्टैक अप हो जाएंगे। तो मेरे देख सकते हो मेरा बेस डैमेज यहां पे आप दिखा रहा है सारी चीज़ें मॉड्स लगाने के बाद 11K, मेरी PP19 का 40% क्रिटिकल हिट डैमेज यहाँ ऑलरेडी है, 1.3 के बाद क्रिटिकल हिट चांस नहीं मिलता किसी में। तो ब्रूटल सर में 25% पर बुलेट एक्स्ट्रा डैमेज करता हूँ, बाय 25% मल्टीप्लिकेटिव है। और 40% फास्टर यहाँ पे मेरा स्विफ्ट टैलेंट रीलोड का हो जाता है। स्विफ्ट की बद्दी अगर कुछ और मिला होता ना तो बहुत बढ़िया होता है, पर क्योंकि मैं PP19 प्राइमरी यूज़ कर रहा हूँ तो स्विफ्ट बहुत हेल्प करता है माइक्रो सेकेंड्स में। तीसरा टैलेंट है रिस्पॉन्सिव, बहुत अच्छा है, 14% डैमेज बढ़ जाता है अगर कोई 10 मीटर के अंदर मैं किसी को मार रहा हूँ। और चौथा टैलेंट मेरी ऑग का है जो कि काम, उसमें मैंने कोई मॉड्स नहीं लगा रखे हैं, सिर्फ ये मुझे कल मिली थी ड्रैगन नेस्ट के अंदर और यहाँ पर सस्टेन्ड टैलेंट था। मुझे लगा क्योंकि PP19 की एक्यूरेसी थोड़ी कमज़ोर है इसलिए मैं सस्टेन हटाने को राजी था। तो विशियस कभी कभी हैंडी है, जैसे कि मैंने बताया अगर मुझे विग्रेस चेस्ट मिल जाएगा मैं होल्स्टर लगाऊंगा अल्फा ब्रिज का, होल्स्टर भी विग्रेस नहीं
अगर मुझे अल्फा ब्रिज का होल्स्टर मिल जाएगा तो मैं विग्रस का चेस्ट लगाऊंगा और विशेष टैलेंट वहाँ बहुत काम आएगा, क्योंकि मैं चार के ग्रुप में अगर खेल रहा हूँ बार बार मैं हील पे ओवर हील पे रहूँगा और डबल टैप खुद की भी हील करता रहूँगा, उससे मुझे बूस्टर शॉट मिलेगा क्योंकि साथ में पल्स लगाऊंगा फिर मारूंगा तो विशेष वहाँ बहुत काम आता है। और उसके बाद है एक्यूरेट, क्योंकि जो मुझे ऑग मिली थी उसमें विशियस था, सस्टेन था और फियर्स था, तो मैंने सस्टेन हटा के उसमें एक्यूरेट लेके आया हूँ। अब मेरी जो PP19 है उससे मैं एक्यूरेटली बहुत अच्छे से फायर कर सकता हूँ, पर फिर भी यहाँ पे अगर मुझे कोई दूसरी गन मिलती है विशियस और फियर्स के साथ में SMG, तो मैं ज़रूर एक्यूरेट हटा के मैं उसमें डेडली लाना चाहूँगा, क्योंकि आपने देखा होगा डेडली यहाँ पे नहीं है, डेडली मिसिंग है यार। सही में डेडली अगर मिल जाए तो मैं एक्यूरेसी गंवाने को तैयार हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत 28% क्रिटिकल हिट डैमेज एक्स्ट्रा करूँगा, तो वो डेडली मुझे चाहिए। खैर ड्रैगन स्पाम करते करते कोई ना कोई SMG मुझे मिल जाएगी, मुझे पता है। तो अभी ऐसे मेरे पास बहुत से वेपन्स हैं दोस्तों, पर ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा डिविजन के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसमें गियर सेट कवर करना चाहता था, और प्रॉब्ली अगले वीडियो में मैं ये कवर करूँगा कि डिविजन कैसा गेम है और अभी यहाँ से लेकर कितना आगे जा सकता है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसके सारे एस्पेक्ट्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ बात करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ गोल्डी, आने वाले वीडियोज़ में आपसे फिर मिलूँगा। भारत माता की जय।